फिगर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट इज, मतलब ये ग्राफ आपको दिखाया गया है और आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है जहां तक रॉकेट पहुंचता है, ठीक है, और इस ग्राफ को यूज करके आपको आंसर निकालना है। ट्राई करिए, फर्स्ट सेकंड, कुछ लोगों का फर्स्ट आ रहा है, कुछ लोगों का सेकंड आ रहा है, और फर्स्ट सेकंड, कुछ लोग अपनी कॉपी खोल रहे हैं अभी, कुछ लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी कॉपी खोल रहे हैं, पेन ढूंढ रहे हैं अपना कहाँ गया। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो में कंफ्यूजन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें, जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है उनका एकदम गलत आंसर है, सेकंड वालों का सही 79.2। आपके पास दो पॉइंट थे जहां से आप आंसर एकदम सही निकाल सकते थे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते। तो सबसे पहला पॉइंट कि जैसे उसने कहा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट, तो आपने रॉकेट का प्रॉब्लम कर रखा है। आपको रॉकेट का केस बताया गया था ना मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो उसमें आपको क्या बताया गया था, अगर कोई रॉकेट आप नीचे से फायर करते हैं और कुछ समय पर जाकर उसका फ्यूल फिनिश हो जाता है, तो यहां पर अगर तो जीरो है, यहां से चला मान लिया इस लोकेशन पर फ्यूल फिनिश हो गया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, जहां पर फ्यूल फिनिश होता है, और उसके बाद और ऊपर वो जाएगा तो वहां पर चूंकि इसकी वेलोसिटी है जीरो नहीं होगी, जहां फ्यूल खत्म होगा वहां पर मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद उसका इंजन एक तरह से बंद हो गया और फिर वो और ऊपर तक जाएगा, जहां पर पहुंचेगा वेलोसिटी जीरो, यहां तक हो जाएगा, फिर वहां से वो रिटर्न हो जाता है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी ना। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दो कि ये जो ऐसे आपको जो दिखाया गया है तो लिखा नहीं, ये टी है ना, उसमें तो मेंशन होगा ना, टी यहां पर छूट गया था, तो ये टी जो है वो टाइम है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पर देखो कि आपको वीटी कर्व दिया गया, तो क्या ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, पाथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स और वाई का रिलेशन, आप हमेशा याद रखो एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है वो पाथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये रॉकेट जो अपवर्ड फायर किया गया वो ऐसे थोड़े जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये थोड़े होगा, अपवर्ड फायर किया गया ना तो सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर से सीधा नीचे आएगा, तो इसका मतलब यहां पर ये टाइम के साथ उसके स्पीड का वेरिएशन दिया गया, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े 12 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम, यानी कि यहां से यहां तक जो 12 सेकंड है इतने समय के बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर था, यानी कि यहां पर फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड उसकी कम होती जा रही है और फाइनली इस लोकेशन पर 132 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या हो जाती, जीरो। का मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्पीड जीरो हुई, ठीक है, यहां से चला Vmax, यहां स्पीड जीरो हुई, तो ये पूरी हाइट होगी ना, एच कैपिटल एच जो होगी पूरी हाइट, ये थोड़े कि यहां से यहां तक निकाल दिया। और हमें पता है VT कर्व जो रहता है उसका ग्राफ और उसके जो टाइम एक्सिस होता है उसके बीच का जो एरिया होता है वो या तो आपको डिस्टेंस देता है या आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि यहां पर पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक निकालना है, तो चाहे आप डिस्टेंस निकालो चाहे डिस्प्लेसमेंट, बात तो एक ही है, तो एरिया आपको निकालना था, लेकिन वो एरिया आपको पूरा एरिया कैलकुलेट करना था, कंप्लीट पूरा एरिया, मतलब ये इसे ए मान लेते हैं ये बी मान लेते हैं, तो ये पूरा एरिया कंप्लीट यहां पर आपको कैलकुलेट करना था। तो अगर आपने सिर्फ इतना एरिया निकाला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इधर का निकालोगे तो भी गलत हो जाएगा, पूरा निकालेंगे तो सही आएगा। तो समझ में आ गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमें ये ग्राफ नहीं पता, ये केस नहीं पता होता रॉकेट का, तब हम कैसे क्वेश्चन करते, तब क्या हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, बिल्कुल कर लेते कब, तब भी आप क्वेश्चन, जैसे अगर आप देखो तो कोई भी बॉडी अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो वहां पर उसकी स्पीड जीरो होगी, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन है, जैसे कोई सीधे जा रहा है और उसको रिवर्स होना है, रिटर्न होना है, तो उसको अपनी स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, सर्कुलर मोशन में वो वापस घूमकर वहीं आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में उसको जीरो ही करना पड़ेगा तभी वो रिटर्न हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जहां पर जीरो होगी वहां से रिटर्न होगा ना, तो इसका मतलब टाइम के साथ जैसे से आगे बढ़ रहे वी की, वी की जो डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ही दिख रही ना, मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर 132 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो में रही है पॉजिटिव, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो सीधा सीधा ही गया होगा, यहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, यहां से रिटर्न होगा। तो बिना रॉकेट का केस जाने भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा,
मैक्सिमम वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी स्पीड जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर स्पीड जीरो होगी, तो यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था। तो क्लियर हो गया ना? तो हम लोग कैसे भी कर सकते थे, चूंकि हमने केस समझा दिया था इसलिए आपके लिए और आसान था क्वेश्चन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट इज एच इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी, और ये ट्रायंगल है, हाफ बेस कितना है 132, हाइट कितनी है 1200, ठीक है। यहां पर इसे हम सॉल्व कर लें, इतने मीटर हो जाएगा, या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 79.2 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपसे यही ग्राफ पूरा दे दिया जाता और अगर आपसे ये पूछा जाता कि किस हाइट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तब आंसर क्या होता, तब ये होता, क्योंकि हमने ये वाला, जैसे अगर आप एरिया निकालोगे स्टार्टिंग वाला, हाफ बेस कितना 12 और हाइट कितनी 1200, ठीक है। तो यहां पर इसे आप कैलकुलेट करेंगे, इतने मीटर आएगा, यानी कि 7.2 थोड़ा आएगा, हाँ सॉरी यही आएगा 7.2 मीटर में आएगा ना, तो 7.2 किलोमीटर, तब ये कौन सा आंसर सही हो जाता, फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाता। मतलब फिर से आप एक बार देख लो कि अगर ये पूछा जाता कि किस हाइट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर किस हाइट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, 12 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो 12 सेकंड तक का एरिया आप निकालते तो वो एरिया क्या था, 7200 मीटर या 7.2 किलोमीटर, तब आपका आंसर कौन सा सही होता, फर्स्ट आंसर सही होता, ठीक है। तो समझ गए ना पूरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A boy begins to walk eastward along a street in front of his house and the graph of his position from home is shown in the following figure. His average speed for the whole time interval is equal to, average speed आपको यहाँ पर बतानी है पूरे टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ, ये आपको थोड़ा सा वही चीज बड़ी करके दिखा देगी, ये आपको ग्राफ दिखाया गया है और आपको यहाँ पर बताना क्या है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ट्राई करें, सेकंड ऑप्शन, और कोई, सिक्स आएगा ना सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बताया कुछ लोगों ने, और किसी का कुछ आ रहा हो, तो टोटल डिस्टेंस यहां पर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एरिया निकाल के, हाँ यहां पर एरिया आपको नहीं निकालना है। जैसे अगर कोई एरिया निकालना है तो रुक जाए यहां पर, क्योंकि एरिया आप कब निकालते हैं, जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो, लेकिन यहां पोजीशन टाइम, तो यहां रीड करना है सिर्फ, यहां पर एरिया नहीं निकालना है। एरिया निकालने, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालते हैं ना, स्पीड टाइम ग्राफ का यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन आप पोजीशन टाइम का एरिया थोड़े निकालेंगे, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया गया। तो ये आपको डायरेक्ट रीड करना है, कैसे, जैसे उसने कहा है कि जो भी वो बॉय है वो अप ईस्ट वर्ड अलोंग अ स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने एक गली है उसमें वो वहां पर चलना स्टार्ट करता है। तो कहा क्या है, पोजीशन फ्रॉम होम इज शोन इन फिगर, इस डायग्राम में आपको उसकी पोजीशन दिखा दी गई, तो आपको बताना क्या है, एवरेज स्पीड। अब वो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहां पर टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो वो मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है ना भाई, ये उसका पाथ थोड़े ही दिखाया गया, ये एक्स और वाई का ग्राफ थोड़े है, एक्स वाई का ग्राफ पाथ दिखाता है, तो ये जस्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसे देखो कि 0 से 5, 0 टू
वैसे तो ये सीखने की जरूरत है नहीं, लेकिन पड़ेगा 0 to 5 में वो कितना चला, उसकी डिस्टेंस जो है। तो 0 to 5 में हमने मान लिया S1, तो S1 कितना है यहाँ पर देखो, 0 पर यहाँ है और 5 पर यहाँ, यानी कि वो इस पॉइंट पर आ गया ना, तो ये पॉइंट कितने के बराबर है, 40 के, यानी कि 0 से 5 मिनट में वो 40 मीटर चला होगा। तो 0 से 5 में वो 40 मीटर गया, 40 मीटर पर पहुंच गया ना, 5 मिनट पर वो 40 मीटर पर पहुंच गया। फिर अगला टाइम क्या है, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10 में अगर आप देखो, 5 to 10 में तो वो 40 मीटर पर था और 10 पर भी 40 पर ही था, तो क्या कहीं वो चला, नहीं चला, मतलब 5 से लेकर 10 तक वो जहां था वही रुका रहा। यानी कि 5 टू 10 में अगर आप उसका डिस्टेंस देखेंगे कवर्ड, तो S2 की वैल्यू क्या होगी, 0, चला ही नहीं, वो 40 पर था और 40 पर ही रहा, तो इसका मतलब वो कहीं नहीं गया। इसके बाद आप यहां पर देखें नेक्स्ट टाइम क्या है, 10 से आगे, तो 10 से यहां तक का जो आपको, तो यहां कुछ दिया नहीं गया है, तो आप सीधे 15 देखो, आप देख सकते हैं यहां पर कि 15 पर उसने आपको ये दे रखा है एकदम एग्जैक्ट, और ये चीज इसके बराबर है, मतलब वो 10 से 15 अगर हम देखें, तो 10 से 15 वो कितना चला, जरा देखो यहां पर 10 to 15, इट इंप्लाइज दैट S3 इज इक्वल टू, तो 10 पर था वो 40 पर, फिर 40 से गया 0, यानी कि 40 मीटर चलेगा ना, और फिर 0 से गया माइनस 20 पर आ गया ना, तो इसका मतलब 40 मीटर गया और फिर दूसरी साइड में 20 मीटर और चला गया, तो कितना हो गया 60, तो यहां पर हो जाएगा 60 मीटर। और फिर आप यहां पर देखेंगे लास्ट बचा है 15 to 20, तो 15 to 20 मिनट में वो जो चलेगा S4, आप देखो कि वो -20 पर था और 20 पर पहुंच गया 0 पर, 0 पर आ गया ना, तो 20 मीटर चलेगा वापस, तब 0 पर पहुंचेगा, तो इसका मतलब वो 20 मीटर यहां पर चला है, ठीक है। अब आप इसको अगर समझना चाहें तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर मान लिया उसका घर था, ठीक है, ये होम वाली पोजिशन थी 0 पर, ठीक है, अब वो 0 से 5 सेकंड पर 40 पर पहुंच गया, तो यहां पर मान लेते हैं इस लोकेशन पर है और ये t इक्वल टू 5 सेकंड है और ये कितना गया 40 मीटर, मतलब ऐसे 40 मीटर चलकर गया वो 40 मीटर, फिर t इक्वल टू 5 से लेकर t इक्वल टू 10 तक वो वहीं पर रुका रहा, वहीं पर है ना, 10 पर भी 40 पर है, फिर इसके बाद 15 पर वो आ गया -20 पर, यानी कि इधर अगर प्लस में है तो इधर -20 कहीं यहां रहा होगा, तो इसका मतलब वो यहां से चला, पहले इधर की तरफ गया 40 मीटर, फिर यहीं पर रुका रहा, फिर यहां से वो रिटर्न होता है और कहां चला जाता है -20 पर, और उसके बाद -20 से वो फिर से घर पहुंच जाता, क्योंकि 0 हो गया ना, जो पोजीशन है 0, तो पोजीशन 0 होने का मतलब वो वापस अपने घर पर आ गया, ठीक है। तो ये वापस इधर जब चलेगा तो 40 मीटर और ये 0 से इधर ये कितना हो जाएगा 20 और रिटर्न होगा फिर 20, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि यहां से चलेगा 40 मीटर, 40 मीटर से उतना ही वापस आएगा, दूसरी साइड में जाएगा 20 मीटर, देन रिटर्न होकर वापस अपने घर पर आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड क्या होती, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 कितना हो जाएगा ऐड करने पर 120 मीटर। तो हम V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, जीरो से लेकर 20, तो कितना जाएगा 6 मीटर, और ये मिनट में दिया गया है, तो पर मिनट। तो मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया, डायग्राम बनाकर भी यहां पर समझा दिया कि यहां पर जस्ट आपको रीड कर, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखा, जैसे हमने आपको लिखकर पूरा
लेकिन एक्चुअल में इसमें लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट आपको बस रीड करना था। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या था कि आपको ऐसे भी एवरेज स्पीड निकलवाई जा सकती है। जैसे हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चंस देखे थे जो इससे पहले, तो उसमें क्या था, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया था और उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला था, एरिया निकालकर देन उसको डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोजिशन टाइम ग्राफ दिया गया था और पोजिशन टाइम ग्राफ में आपको जस्ट रीड करना था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे पढ़ते जाओ, 0 से 5 में 40 पर पहुंचा, फिर वो 40 पर रुका रहा, फिर 40 से कहां पर पहुंच गया, -20, तो 40 प्लस 40 रिटर्न 80 और दूसरी साइड में गया 20, 100 हो गया और वापस फिर 20 चलकर वो कहां पर पहुंच गया, 0 पर। तो इस तरह से टोटल 120 हो और 120 को 20 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया। कुछ लिखने की क्या जरूरत थी, कुछ नहीं, लेकिन लिखते नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा लिखकर डायग्राम से समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। फिगर शोज द टाइम एक्सलेशन ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, फाइंड द एवरेज एक्सलेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड। सेकंड में आपको एवरेज एक्सलेशन बता, क्या थर्ड यहाँ पर आपको एवरेज एक्सलेशन बताना था। तो पहले 20 सेकंड में, इंटरवल भी ध्यान दो कि फर्स्ट 20 सेकंड में आपको बताना है, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो पूरा टाइम लेते आप 30 सेकंड, लेकिन फर्स्ट 20 मतलब 20 तक। अब हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपसे एवरेज पूछा जाएगा तो आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन थिंक करना है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज एक्सलेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सलेशन यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपको एवरेज पता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी आपको चाहिए, डेल्टा टी तो आपको पता है 20 लेना है आपको, डेल्टा वी आपको चाहिए। अब डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे एक्सलेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर आपने देखा, आपने सोचा चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरिया बिटवीन एटी कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एरिया निकालना है और कितना, जैसे अगर ये ओ है, ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी पॉइंट, तो आपको इतना एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है और ये एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी एंड सी, ठीक है। आप इसका एरिया, चूंकि ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल सकते हैं आराम से, ये 10 और 20 है, तो यहां से ये पैरेलल साइड ये कितनी हो जाएगी 10 और ये यहां से यहां तक हो जाएगा 20 और दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या तरीका है, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 10 प्लस 20 और यहां पर इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 40, हाफ इनटू ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और इनटू 40 600 आ जाएगा, ठीक है। अब 600 चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज एक्सलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी की वैल्यू 600 और डेल्टा टी कितना है 20, कितना आ जाएगा यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपसे एवरेज वगैरह पूछा जाता है तो आप तुरंत वहां पर उसकी बेसिक डेफिनेशन से थिंक करना स्टार्ट करो, तो आप आसानी से थिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ एक्सलेशन ए वर्सेस टाइम टी ग्राफ इज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। जैसे ये आपको एक्सलेशन टाइम ग्राफ आपको दिखाया गया, मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप ये बताओ कि जैसे ग्राफ दिया गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हमने कुछ मान लिया ए, यहाँ पर बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर हमने पॉइंट मान लिया बी और यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया सी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये तीनों पॉइंट्स हैं और इसमें मैक्सिमम स्पीड उसकी किस पॉइंट पर होगी, ए पर, बी पर या सी पर, मैक्सिमम स्पीड सी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। जैसे कई लोगों को ये लगने लगता है कि ए पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होगी, तो ए पर मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, सी पर मैक्सिमम स्पीड होगी। रीजन क्या है कि यहां पर अगर आप देखो तो उसने कही दिया ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सलेशन यहां पर
घटते हुए दिखाया गया, लेकिन आपको क्या लिखवाया गया था, डिक्रीज इन एक्सलेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, मतलब ये एक्सलेशन घट तो रहा है लेकिन इसका मतलब रिटार्डेशन थोड़े होगा। जैसे जैसे एक्सलेशन कम होगा रेट ऑफ चेंज कम होता जाएगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एक्सलेशन कम हो रहा तो वेलोसिटी घटे, ये आपको लिखवा भी दिया था हमने कि डिक्रीज इन एक्सलेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। तो यहाँ पर रिटार्डेशन उसका मतलब नहीं, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अगेन एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसका एरिया हम निकालेंगे। तो ये सब पॉइंट हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, तो मैंने ऐसे ही बस बना दिया था। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, और ये इनिशियल होगा, तो ये इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसने कह दिया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे डेल्टा वी, तो वो क्या हो, जैसे इसका नाम डाल ही देते हैं ओ ए बी, तो यहां पर एरिया हो जाएगा एरिया ओ ए बी, और ये आ जाएगा हाफ, बेस कितना 11 और हाइट कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 55। डेल्टा का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी फाइनल वैल्यू वी कम है, तो फाइनल वैल्यू है मैक्सिमम वी मैक्स और इनिशियल जीरो, तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू आ गई। (55 meters per second) तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन आपने जैसे देखा कि आपको एटी कर्व दिया गया, तो आपसे एवरेज भी पूछा जा सकता है एक्सलेशन, या इस तरह से आपसे स्पीड वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, आगे और देखते हैं हम लोग। ये तो एरिया, तो एरिया आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना, तो अगर इनिशियल जीरो ना होता, तो इनिशियल अगर जीरो ना होता तब तो कुछ गड़बड़ हो जाता ना, जैसे इनिशियल कोई वैल्यू आपको दे दी जाती तब आपसे फाइनल पूछा जाता तो वो आपको ऐड करना पड़ता इसमें, लेकिन अगर यहाँ इनिशियल जीरो है तो डायरेक्ट एरिया भी आपको वही आंसर दे रहा है। लेकिन एक्यूरेट यही है कि आपको इनिशियल स्पीड नहीं दी गई थी, इसलिए वो आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहा, समझ गया ना, कि इनिशियल यहाँ पर जीरो होने की वजह से ऐसा था, अगर इनिशियल जीरो ना होता कुछ वो लिख देता तो आपको, जैसे मान लिया 5 दे देता इनिशियल, तो आंसर 55 नहीं होता, यहाँ से निकालते 55 लेकिन यहाँ से निकालते तो 60, तो आंसर 60 सही होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के विद द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड, क्या आएगा थर्ड। यहां पर आप देखो काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस में आपसे पूछा गया रिलेशन, तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जैसे के और वी में पूछता ग्राफ, जैसे मान लो यहां पर एस की जगह वी दिया होता तो कौन सा सही होता, सही हो जाता के और वी अगर आपको दिया होता तो ये ग्राफ कैसा हो जाता, पैराबोला, और पैराबोला की कंडीशन में आपको बताया गया था जो अकेला होता उसी की तरफ ओपन साइड होता, तो ये वाला से जरूरी नहीं कि पूरा ही ग्राफ बना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आपको आधा पार्ट भी बनाकर दिया जा सकता है तो पहला वाला ग्राफ सही हो जाता, लेकिन उसने आपको यहां पर के और वी नहीं बल्कि उसने के और एस आपसे पूछा है, तो फिर हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि S और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट दिया गया ना, तो हम यहां लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो जो ये U है वो तो हो जाएगा जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको यहां पर मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ये वैल्यू आप यहां रख दो, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम इंटू 2AS, बाकी सारी चीजें तो जितना ये है ये सब पूरा यहां तक ठीक है, यहां तक क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स के जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन,
फर्स्ट और थर्ड दो आंसर सुनाई पड़ रहे हैं हमें। देखो यहां पर हम लोग देख लेते हैं किसमें, जैसे यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सलेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, तो कांस्टेंट एक्सलेशन इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट एक्सलेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें, जैसे अभी कई लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया, तो अगर थर्ड और फोर्थ देखो तो ये तो दोनों में एक्सलेशन ही नहीं है, तो जब एक्सलेशन ही नहीं तो कांस्टेंट थोड़े कहेंगे। कोई लोग कहते नहीं जीरो तो रहेगा, एक्सलेशन ए बराबर जीरो, तो जीरो भी तो कांस्टेंट है, तो जब एक्सलेशन होगा तब उसको कहो, जीरो का मतलब तो है ही नहीं वो, तो यहां पर हम इसे कांस्टेंट थोड़े मानेंगे, कांस्टेंट का मतलब उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, जीरो तो किसी में भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सलेशन, जब एक्सलेशन होगा तब हम देखेंगे ना कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें तो एक्सलेशन नहीं, क्यों नहीं एक्सलेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो यहां क्या है, वी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू जीरो। तो जब एक्सलेशन ही नहीं तो उसमें क्या आपको वहां पर डिस्कशन ही नहीं कुछ करना। इसमें भी ऐसे देखो, ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों ही कंडीशन में जैसे यहां देखेंगे तो यहां पर भी वी कांस्टेंट रहेगा, और वी कांस्टेंट तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप क्या देगा, एसटी कर्व, वेलोसिटी देगा, तो आपको यहां पर भी पता चल गया कि वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और यहां पर भी एक्सलेशन क्या हो गया, जीरो। अब आप यहां कह सकते हैं कि ये जो टॉप पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्लस है और इधर वाली माइनस हो जाएगी, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो वहां पर कुछ एक्सलेशन होगा, लेकिन आप देखो ये एकदम शार्प चेंज है, यहां पर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, मतलब अगर यहां पर चेंज भी हो रहा है तो वहां पर जो एक्सलेशन होगा वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शार्प चेंज है, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, कोई ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो इसका मतलब, और अगर होता भी मान लिया तो भी उसने कांस्टेंट बोला है ना, तो कांस्टेंट कहाँ होता, यहां जीरो बीच में कोई एक्सलेशन होता भी तो भी वो एक समान तो नहीं कहलाता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचते हैं दो आंसर, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब स्लोप, और जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको बताया गया था तरीका ना कि इसके ऊपर अगर आप चढ़ेंगे तो आगे की तरफ जाना आसान, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, ये रिटार्डेशन है, उसने आपसे एक्सलेशन कहा है तो रिटार्डेशन है, और यहां पर अगर आप देखो तो वेलोसिटी यहां पर हो जाएगा स्लोप, और स्लोप इंक्रीजिंग है, तो इस कंडीशन को प्रॉपर हम एक्सलेशन की कंडीशन कहेंगे, एक्सलेशन, ठीक है। तो इसमें हमें चेक ही नहीं करना है कि यूनिट, जैसे आप यहां पर यह भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई एक्सलेशन है तो ये पॉजिटिव एक्सलेशन है, वो रिटार्डेशन है तो निगेटिव एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन तो दोनों में, लेकिन उसने एक टर्म दिया यूनिफॉर्म, ठीक है, तो हमें यहां पर पहले ही पता चल गया कि दोनों में अगर यहां पर ए है तो हमें उसने प्रॉपर एक्सलेशन बोला है, तो एक्सलेशन का मतलब फिर यही वाला हम टिक करेंगे, फर्स्ट वाला, लेकिन अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि ये तो हमने, इसमें कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, लेकिन अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म ही होगा या नहीं होगा, तो हम अगले वाले क्वेश्चन से इस चीज को समझेंगे। अभी फिलहाल इतना जितना इसमें बताया गया इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया ना आपने? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हो गया ना सभी का? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फिगर 1 एंड 2 बिलो सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वी कैन से दैट बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोथ द पार्टिकल्स, यहां पर कहा गया कि दोनों पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है दोनों का। बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, दोनों में रिटार्डेशन है। पार्टिकल 1 इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हाइल पार्टिकल सेकेंड इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, और चौथा है पार्टिकल 1 इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन व्हाइल पार्टिकल सेकेंड इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा होगा? कितने सुर में बोले एक साथ, वैसे सही है, लेकिन कैसे जाने आप
यही वाला लगा दिया ना वहां कॉन्सेप्ट। हाँ तो एग्जाम में भी दोनों आएंगे साथ में क्वेश्चन, 16 नंबर 17 नंबर साथ ही में आएंगे जब आएंगे। तो हमें यहाँ पर आंसर तो पता चल गया क्योंकि अभी हमने 16 वाले में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या कंडीशन होगी इस वाले क्वेश्चन में कैसे हम जानेंगे, तो वो चीज हमें यहाँ पर समझना है कि ये जैसे कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत भी दिया गया, कुछ बुक्स में क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया इसे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड और इसे दे दिया गया यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, लेकिन वो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड तो है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन होगा, तो हमें इसे चेक करना है कि ये कैसे यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों ग्राफ यहाँ पर वही वाले हमने दिखा दिए, ये अगर हम कंप्लीट करें तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर पैराबोलिक हो जाएगा, तो पैराबोला वाले ग्राफ में हम कैसे अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो देखो। यहाँ पर जैसे ये इधर की तरफ है तो हम यहाँ पर एक्स को अकेली पावर में रखेंगे या डबल पावर में, सिंगल पावर या डबल सिंगल, क्योंकि जिसकी तरफ ओपन साइड बना दिया जाता है वो सिंगल पावर रहता है, तो एक्स सिंगल पावर में हो जाएगा और बाकी यहाँ कॉन्स्टेंट लगाकर टी को हमने स्क्वायर में कर दिया। ठीक है, डबल पावर हो गई के टी स्क्वायर, लेकिन अगर यही फंक्शन आप यहाँ पर बनाएं तो इसमें टी को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे एक्स को स्क्वायर, टी इसमें स्क्वायर हो जाएगा, इसमें एक्स को स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप करेंगे अगर पूरा ग्राफ बनाएंगे तो टी अकेली पावर में रहेगा सिंगल पावर में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इन टू टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स और के कॉन्स्टेंट है वो कहीं भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा फंक्शन एक्स इक्वल टू के टी स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टी। अब आपको निकालना है एक्सलेशन, अब डिफ्रेंशिएट करके देखो, तो जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे पहले डी एक्स बाई डी टी, ये वेलोसिटी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन जाएगा टू के टी, अब डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है टी स्क्वायर का टू टी, तो टू के टी आ गया। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यानी कि वेलोसिटी को डी वी बाई डी टी, तो जब डी वी बाई डी टी करेंगे तो टी का वन हो जाएगा टू के आ जाएगा, और ये क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, लेकिन जरा यहां पर देखो, यहां जब आप करेंगे तो आप एक्स को क्या लिखेंगे रूट के, और टी को भी रूट में लिखना है, लेकिन टी का हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो पावर हमने लगा दिया वन बाई टू। अब यहां पर वेलोसिटी आपको लिखना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी रूट के। ठीक है, और t टू द पावर 1 बाई टू का 1 बाई टू एन एक्स एन माइनस वन, तो 1 बाई टू टी और माइनस 1 बाई टू एन एक्स एन माइनस वन। अब यहां पर एक्सलेशन निकालने के लिए आपको dv बाई डी टी करना पड़ेगा, तो dv बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के बाई टू, ये तो हो गया अलग। ठीक है, अब आप इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एन एक्स और एन माइनस वन, तो माइनस थ्री बाई टू। यहां पर देखो दो बातें, आप एक तो माइनस साइन रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर, तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो वेलोसिटी पॉजिटिव है यहां पर, वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, आप तो हमने बता ही दिया था गलती हो गई हमसे, कैसे पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, कहीं पर भी आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना स्लोप, तो स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, और ए क्या आ रहा है माइनस में, इसका मतलब क्या होगा रिटार्डेशन होगा, ए माइनस में आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सलेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर जो भी एक्सलेशन है वो एक्चुअल में रिटार्डेशन कहलाएगा, लेकिन ये रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रहा, टाइम पर, जैसे इसमें देखो 2k हो गया था कांस्टेंट, लेकिन इसमें कहां कांस्टेंट है, टी भी तो आ रहा है ना, टी गायब भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो हम इसके आगे क्या लिख लेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस बेसिस पर यहां पर जो हम लोगों ने आंसर टिक किया था ना, थर्ड पार्टिकल वन इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हाइल पार्टिकल सेकंड इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये सही था, नोट कर लो इसे।
नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। द वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद इट्स पोजीशन एक्स एज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ए ऑफ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन एक्स एज। यहां पर आप देखो कि जो आपको ग्राफ दिया गया है वो वी और एक्स का दिया गया है, इस तरह से वेरी कर रहा है, और आपको इसमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही तो दिया गया है। आप थिंक कैसे करते हैं, ग्राफ को यहां पर देखा और आपको निकालना है एक्सेलरेशन वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारा थिंक करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, जब आपको बताया गया था एक्सेलरेशन के बारे में तीन फंक्शन, तो वी एज अ फंक्शन ऑफ अगर एक्स होता है तो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं, वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। मतलब एक तरह से ये हो गया कि ग्राफ को देखकर आपको वी और डी वी बाई डी एक्स निकालना है। अब डी वी बाई डी एक्स अगर ग्राफ को देखें तो डी वी बाई डी एक्स को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। y और x होता dy by dx, v है x है तो dv by dx, तो ये क्या बन गया, स्लोप। यानी कि आपको इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको v की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में। तो क्या हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, लिख सकते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx + c से लिखते हैं, तो m स्लोप हो जाएगा और स्लोप तो हमें निकालना है dv by dx। यानी कि हम dv by dx निकालेंगे, मतलब स्लोप जो होगा वो निकालेंगे, और साथ ही साथ हम v की वैल्यू मतलब v का फंक्शन बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बेसिस पर एक क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया था, वो भी अभी आपके सामने आएगा। तो बिल्कुल सिमिलर ही वो क्वेश्चन है, बस इसमें आपको फंक्शन बनाना है तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें फंक्शन को देखकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, मतलब ग्राफ आपको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर स्ट्रेटजी हम लोगों ने बना ली, अब हम लोग यहां पर स्लोप देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, जैसे यहां पर इधर से लेना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है थीटा, तो अगर हम ये थीटा लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस टेन थीटा, और यहां पर माइनस टेन थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 4, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा। तो माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस 2, यानी कि हमें m की वैल्यू पता चल गई माइनस 2, या स्लोप पता चल गया माइनस 2। दैट मीन्स यहां पर dv बाई dx की वैल्यू, इसी को हम dv बाई dx भी कह सकते हैं, dv बाई dx की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, माइनस 2। बात क्लियर हो गई ना। अब आपको यहां पर v चाहिए और v और dv बाई dx को मल्टीप्लाई तो करना है, तो v कैसे लिखेंगे, आपके पास यहां पर इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रखो, y की जगह क्या है, v है, तो आप यहां पर रखेंगे v, m की जगह पर क्या है, माइनस 2, तो आप यहां रखेंगे माइनस 2 इंटू x की जगह पर x है, और प्लस c, जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, 4, यही तो होता है ना इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा यहां पर 4, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -4 हो गया, ठीक है, ये यहां पर हो गया। हाँ एसी देख लो, तुरंत नहीं चलता, थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन देख लो तब तक। यहां पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v dv by dx, v की जगह पर हम रखेंगे माइनस 2x प्लस 4 और dv by dx की जगह पर माइनस 2, यहां क्या जाएगा, 4x माइनस 8, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि यहां पर हमने स्लोप निकाला, वहां से हमें m और dv by dx मतलब स्लोप पता चल गया, और फिर इस इक्वेशन का यूज करके हमने v की वैल्यू निकाल ली और v और dv by dx को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4x माइनस 8। आगे चलते हैं हम लोग,
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन इन फिगर, द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्टली शोन बाय। देखो यहाँ पर एक बात समझ लो पहले कि जैसे एक ग्राफ आपको दिया गया है और ये वाला जैसे ग्राफ दिया गया, अब इसके बेसिस पर आपको बाकी ग्राफ वहां पर बनाना है। ये ग्राफ आपको दिया गया, इसके बेसिस पर आपको एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको हमने बताया था कि अगर वो इजी होगा, मतलब थोड़ा सा आसान होगा, तब आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको वहां पर जस्ट पहचानना रहता है कि इसको देखकर यहाँ पर कौन सी कंडीशंस यहाँ पर मैच कर रही, तो आपको जस्ट मैच कराना रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक ग्राफ को देखकर दूसरे ग्राफ को हम कैसे वहां पर समझते हैं, यही समझना है यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो आपको कंडीशन दी गई है यहाँ पर VT की, वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, उसको हम XT पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो O2A, अगर हम O2A की बात करें तो ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन रहता है तो उसका स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं O2A जो स्लोप है, स्लोप वो हम मान सकते हैं यहाँ पर स्लोप जो है एम, और वो क्या है कॉन्स्टेंट, स्लोप m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साथ में जो स्लोप है VT कर्व का, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्लोप यहां पर जो है ये a हो जाएगा ना, तो ये सिंपली इंप्लाई कर रहा है कि a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साथ में t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, तो हम यहां पर कह सकते हैं आल्सो एट t इज इक्वल टू जीरो जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। मतलब हमें दो इंफॉर्मेशन मिली यहां पर कि O से A तक, एक तो यहां पर क्या है कंडीशन, स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या है जीरो। अब हम बात करते हैं यहां पर, चूंकि हमें x चाहिए, हमें XT कर्व बनाना है ना, तो आप अगर यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट पा गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही क्या, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना। तो हम यहां पर x इज इक्वल टू लिखेंगे ut एंड प्लस हाफ at स्क्वायर। at क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरा टर्म, ये सॉरी ut, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, तो x इज इक्वल टू हो गया यहां पर हाफ at स्क्वायर, यही तो हो गया ना, x इज इक्वल टू आ गया हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा x और t का रिप्रेजेंट होगा, पैराबोला। तो यानी कि यहां से क्लियर हुआ कि ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोला, ठीक है, ग्राफ पैराबोला। यानी कि पहला जो टर्म यहां पर जीरो से लेकर इस पॉइंट तक का है, वो ये जो OA सेक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप XT कर्व ड्रॉ करोगे तो वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि इसमें पैराबोलिक ग्राफ तीन है, यानी कि हमें पहले पता चल गया कि सेकेंड तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकंड में बचे ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, अब इसमें भी हम चेक कर लें कि हमारे पास रिलेशन ये है, तो इसमें सिंगल पावर में कौन है, x, यानी कि अगर हम पूरा ग्राफ बनाएंगे तो ओपन साइड किधर जाएगा, x की तरफ। यहां से भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ओपन साइड अगर x की तरफ आएगा तो थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ओपन साइड t की तरफ जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा ग्राफ बनाए, पूरा ग्राफ यहां बना भी नहीं सकते ना, t नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह पर दो पोजीशन शो होने लगेंगे, तो हम पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं बना सकते। हम उतना देखेंगे कि अगर हम इसमें देखें तो ये ग्राफ कैसा है, एक पैराबोला और x की तरफ ओपन साइड है। अगर हम इसमें देखें तो ग्राफ पैराबोला x की तरफ ओपन साइड है, यहाँ दिखा रहा है या कुछ वेलोसिटी आपको दिखा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी निगेटिव में दिखा रहा है ना, जीरो तो नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम XT ग्राफ को एनालाइज करें यहाँ पर, तो ये तो हमें जीरो वेलोसिटी दिखा रहा है ना, क्योंकि ये वाला ग्राफ हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर हम इस तरह से टाइम और यहाँ पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ सही भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो B to C नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट भी हो रहा है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं B to C अगर आप देखो यहां पर तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है।
और वी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, यानी कि ये जो वी है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। ठीक है, तो मतलब v क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तो हम चाहे कहें v कांस्टेंट एंड नेगेटिव, और चाहे हम ये कहें कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो आप यहां पर देखो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व कांस्टेंट एंड नेगेटिव किसमें दिख रहा है, फोर्थ में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो जस्ट हमें पहचानना था ग्राफ को कि कौन सा पॉसिबल है, ये आप नोट कर लो यहां पर। थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अभी ये क्वेश्चन आपने किया है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पहले तो किया है, उसके बाद भी इतने सारे आंसर्स दे रहे हो, अभी इसके बारे में बताया भी था लेकिन तब तुमको गर्मी बहुत लग रही थी। ये वाला क्वेश्चन जो था कहाँ गया, यही तो सेम क्वेश्चन है वो। आप देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया था इसमें ये वाला ग्राफ दिया गया था Vx, और Vx ग्राफ दिया गया था तो आपको A और X का रिलेशन बताना था, उसमें भी यही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या दिया गया, V और X का ग्राफ दिया गया और A और X का बताना है, तो आएगा तो सेम ही क्योंकि ग्राफ सेम दिया गया है V और X का, बस इसमें जो आपको दिया गया इसमें वैल्यू नहीं दी। तो अगर ऐसे बनाया गया है तो इसकी आपने ये वाली इक्वेशन निकाली थी ना, फोर्थ वाली, और अगर इसमें देखो तो स्लोप कैसा आया है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। यानी कि जो ये हम लोग कर रहे हैं इसमें स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो जितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया था उनका सही था, बाकी सारे गलत थे सेकंड थर्ड वाले जो। तुरंत किया तुरंत ही भूल जाते हो, अभी बताए, इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन को करने पर नहीं, क्वेश्चन में जो हम बोल रहे हैं लेकिन बोलने वाले पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो, बक रहे होंगे कुछ बकने दे। हमने क्या कहा था कि आप क्वेश्चन को थिंक कैसे करते हैं इस पर फोकस करना है। जैसे हमने अभी आपको उस क्वेश्चन समझाते समय बताया था कि देखो ये वी एक्स दिया गया और आपको एक्सलेशन पूछा गया है, तो अगर वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है तो एक्सलेशन निकालने के लिए ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे। जैसे ही ये पॉइंट आपके दिमाग में आता आपके दिमाग में वो पीछे वाला क्वेश्चन आ जाता तुरंत। तो आपको क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है आपको ये सीखना होता है, क्वेश्चन सिर्फ छापना नहीं होता कि बस कर लिया कैसे भी जुगाड़ लगा के। तो यहाँ पे जैसे दिया गया था तो इसमें भी आपको वही काम करना है कि स्लोप आपको, जैसे इसमें कोई डेटा तो आपको दिया नहीं गया तो हमें कुछ मानने की जरूरत है नहीं या निकालने की, जस्ट आप अज्यूम कर लो। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, लेट स्लोप जो है डायरेक्ट यहाँ पर मान लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस एम, सीधे यहीं पर माइनस एम ही लिख देते हैं। ठीक है, स्लोप डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम, जैसे उसमें निकाला था इसमें सीधे माइनस है, मान लो क्या करना है, कौन सा आपको वैल्यूज लगानी दिखानी वहां पर। तो ये हो गया, अब आपको इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, तो इक्वेशन आप क्या करेंगे, बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह पर क्या रखेंगे वी, एम की जगह पर क्या रखेंगे माइनस एम क्योंकि स्लोप माइनस में है तो माइनस रख देंगे, और सी की जगह पर प्लस वी नॉट, ये प्लस वी नॉट होगा ना, ये सी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू प्लस वी नॉट, तो आप यहां पर रखेंगे माइनस एम एक्स प्लस v not। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ गई v की, आपको एक्सलेशन नहीं तो कर निकालना है, तो a is equal to क्या होगा, therefore a is equal to v dv divided by dx minus mx plus v not, और ये हो गया minus m dv by dx, मल्टीप्लाई करते हैं m square x and minus एम वी नॉट, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वी नॉट। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम इसे ऐसे लिखें ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स और यहां पर हमने लिखा प्लस और ब्रैकेट में लिखा माइनस एम वी नॉट। ठीक है, तो ये जो यहां पर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, स्लोप कैसा पॉजिटिव, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट आपको यहां पर
किस ग्राफ में दिख रहा है, फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑफ, देख लो यहां पर, इसमें आप देखो क्या दिख रहा है, जैसे अगर इसको आप ऐसे बढ़ाओगे तो इस तरह की जो लाइन होती है इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, तो पॉजिटिव स्लोप आपको दिख रहा है और इंटरसेप्ट क्या है माइनस में, बाकी किसी में कुछ मैच ही नहीं हो रहा ऐसा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वही एक्सलेशन वाली जो इक्वेशन है, इस पर हम लोगों ने कैलकुलस में भी क्वेश्चन किया था और उसी पर ग्राफ में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको बता दिए गए, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे जैसे प्रोसीड करने को बताया गया आपको। नोट कर लिया आपने, जल्दी से लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही ग्राफ है कि एक ग्राफ दिया गया है, उसी को देखकर आपको दूसरे ग्राफ को पहचानना है, निकालना। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे हीट में भी मिलते हैं, थर्मोडायनामिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर भी आपको हम रेक्टिफिकेशन वाला ही मेथड बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और रेक्टिफाई करने में कम टाइम लगता है। जैसे आप ग्राफ देखते गए, पहचानते गए कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है या आइसोकोरिक, जो भी प्रोसेस है उसके बेसिस पर आपको दूसरे ग्राफ को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि वो क्या हो सकता है, वही सेम प्रोसेस उसमें मैच करना चाहिए, तो वहाँ भी रेक्टिफिकेशन वाला मेथड आसान रहता है। कई बार तो ये होता है एक ही स्टेप से आंसर आ जाता है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा दो स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं और आंसर उसी से आपको क्लियर हो जाता है। मतलब चार ऑप्शंस दिए गए, एक स्टेप देखा, एक को हटा दिया वहाँ पर या दो को हटा दिया, तो जो जो ऑप्शंस वहाँ हटने वाले होते हैं उनको हटा, तो रेक्टिफाई करके आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ग्राफ, नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन द फिगर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको बताना है क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना, यहां पर सभी का सही थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। देख के यहां से पता चल जा रहा है कि जैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो तो इसका जो ओ से लेकर 3 सेकेंड तक का ये जो पार्ट दिखाया गया ये कॉन्स्टेंट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रहेगा तो प्लस जीरो और माइनस। अब आप देखो यहाँ पर प्लस जीरो और माइनस और कांस्टेंट भी है, बाकी किसी में ऐसा नहीं दिखाया गया, इसमें कांस्टेंट तो दिखाया गया लेकिन दोनों ही प्लस में दिखा दिए गए, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको बनाकर। जैसे आप यहाँ पर देखो ये दिया गया था आपको, तो इस वाले पार्ट के लिए अगर आप देखो ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट ये हमें बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप के बराबर होगा, ठीक है, स्लोप के बराबर, और स्लोप क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, ठीक। यहां पर अगर आप देखें इसके लिए तो स्लोप जो हो जाएगा ए क्या होगा, स्लोप के बराबर, और स्लोप इसका क्या जीरो। ग्राफ जितना पीछे पढ़ाया गया वो आपको पता रहना चाहिए, जैसे ये पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर टाइम एक्सिस हो गया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी ग्राफ उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। ऐसे आप यहाँ पर देखो इसके लिए, तो अब आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आपके दिमाग में डायग्रामेटिकली सेट है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वी टी ग्राफ स्लोप क्या होगा, एक्सलेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो स्लोप हो जाएगा ए इज इक्वल टू स्लोप, एक्सलेशन स्लोप देगा और ये क्या है कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, एंड यहां पर क्या होगा स्लोप नेगेटिव। तो आपको यहां पर दिख रहा है कांस्टेंट बट पॉजिटिव, तो कांस्टेंट बट पॉजिटिव यहां पर। अब यहां पर देख सकते हैं कि 0 से 3 तक ये क्या रहेगा पॉजिटिव, तो हमने यहां पर पॉजिटिव दिखाया और कांस्टेंट दिखा दिया, फिर 3 से लेकर 5 तक यहां पर क्या रहेगा ये जीरो रहेगा, यहां पर जीरो हो गया, और उसके बाद 5 से 7 तक कांस्टेंट रहेगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, तो ऐसे दिखा दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ किसमें मैच कर रहा था, यहाँ पर फर्स्ट वाले में मैच कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर सॉरी थर्ड वाले में मैच कर रहा था, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो गया।
नोट कर लिया आपने? हो गया ना सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का। द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, द रेस्पेक्टिव वीटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज। वीटी ग्राफ जो यहां पर है वो आपको बताना है, ये तो कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट वाला, थर्ड? फर्स्ट एंड थर्ड, और कोई? चलो अब बताओ कौन सा होगा सही। फर्स्ट, सभी का फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि जो भी यहां पर ऑप्शन है, जैसे ये जो दिया गया है इसमें क्या आपको चीजें दी गई हैं, उसके बेसिस पर हमें यहां पर टिक करना था कि क्या है। तो आप यहां पर देखो कि ये जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया है इधर, पहला वाला 0 से T1 तक, तो इसमें आपको एक्सेलेरेशन दिखाया गया है बढ़ते हुए और पॉजिटिव, मतलब इस वाले पार्ट के लिए अगर आप देखें तो ए क्या है, टाइम एक्सिस के ऊपर है ना, तो टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव दिखाया गया है ए, और साथ ही साथ आपको यहां पर इंक्रीजिंग दिखाया है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब कुछ लोगों के दिमाग पे आ रहा होगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट थोड़े होगा, स्लोप थोड़े हम देख रहे हैं, स्लोप नहीं देख रहे, स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन एटी ग्राफ का स्लोप हमें देखने नहीं होता, हम तो एटी ग्राफ में यहां पर देख रहे हैं कि टाइम के साथ हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम वीटी कर्व देखते हैं तो वहां ए लिखते हैं तब वो वीटी कर्व होता है, लेकिन ये तो एटी कर्व ना, तो आगे जाएंगे तो आगे जाने पर ए की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो ए इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव, और इसके लिए ए क्या होगा, रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, तो इसके लिए रहेगा पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर 0 से T1 के लिए अगर आप देखो, 0 to T1, 0 to T1, तो इसके लिए यहां पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, ए क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, और ए को अगर हम देखें तो हम क्या लिखते हैं, ए को एक्सेलेरेशन को अगर हमें वीटी कर्व देखना होता, ये सब वी, तो अगर हमें वीटी कर्व देखना होता तो वीटी कर्व का स्लोप हमें एक्सेलेरेशन देता है ना, तो इसका मतलब ए की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्योंकि हमें पहचानना है, हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ सिंपल कहीं होता तो ड्रॉ कर लेते हैं, अदरवाइज हम पहचानने की कोशिश करते हैं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, तो इसका मतलब यहां पर हमें दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ए, कुछ भूल जाओ क्योंकि हमें वीटी कर्व देखना है ना, तो वीटी कर्व का चाहे हम कहें ए पॉजिटिव या इंक्रीजिंग, और या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ वीटी कर्व होगा 0 से T1 के लिए वो पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग, क्योंकि ए को ही हम बोलते हैं ना, जैसे अगर हम कहें एक्सेलेरेशन तो उसका मतलब है एक्सेलेरेशन, अगर हम कहें स्लोप ऑफ वीटी कर्व तो उसका मतलब भी तो एक्सेलेरेशन ही होता है, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। तो आप यहां पर देखो कि ऐसा ग्राफ आप ढूंढो जिसमें वो जो स्लोप हो वो प्लस में भी हो और साथ में वो इंक्रीजिंग हो, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग की बात की गई, यानी कि यहां पर 0 से T1 के लिए देखो आप, तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, तो ये यहां पर भी ये भी ऐसे दिखाया गया ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखाया गया, लेकिन अगर आप देखो यहां पर तो ये वाला में वही पार्ट दिख रहा है और इसमें भी वही पार्ट दिख रहा है, यानी कि सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाले में डिक्रीजिंग स्लोप है जबकि ये हमें क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है लेकिन इसमें डिक्रीजिंग हो गया, और इसमें भी पॉजिटिव, इसमें दोनों एक जैसे हैं, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई ग्राफ हो सकता है, ठीक। अब ये तो दोनों गायब हो गए, ये तो कांस्टेंट दिख रहा तो हो ही नहीं सकता, अब हमें अगले पार्ट पर चलना चाहिए, फिर T1 to T2 में अगर आप देखो तो A की वैल्यू है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव अभी भी है, ये ऊपर है टाइम एक्सिस के, और डिक्रीजिंग यानी कि एक्सेलेरेशन घट रहा है, तो एक्सेलेरेशन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व, तो हम
या तो हम कहें एक्सलेशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, या हम कहते हैं स्लोप ऑफ वीटी कर्व पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखो तो इसमें अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इसमें लाइन ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। एक बात तो ये, दूसरी एक प्रॉब्लम और भी है कि एक्सलेशन घटने का मतलब रिटार्डेशन तो होता नहीं, जबकि इसमें अगर आप देखो तो वेलोसिटी घट रही है, नीचे चला गया ना ग्राफ, तो वेलोसिटी अगर घट रही है तो ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि रिटार्डेशन यहाँ ही नहीं, दोनों में पॉजिटिव है ना, तो एक्सलेशन ही तो रहेगा। तो एक्सलेशन यानी कि वेलोसिटी टी वन के बाद भी बढ़ती ही जाएगी, तो ये पूरी तरह से मैच कर रहा है। इसमें अगर आप देखो तो टी वन से टी टू अगर आप देखो तो क्या है, इसका जो एक्सलेशन यानी कि जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, लाइन ड्रॉ करो पॉजिटिव स्लोप, और साथ में यहाँ पर जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, घट रहा है ना स्लोप, तो स्लोप डिक्रीजिंग, ये पूरी तरह से मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह के ज्यादा जो ग्राफ रहते हैं उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप बस देखकर ही पहचान जाते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर O से लेकर 0 से लेकर T1 तक, तो आपने देखा एक्सलेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि जो VT कर्व का स्लोप है वो एक्सलेशन देता है, तो इसका मतलब जो VT कर्व है उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीजिंग। तो तुरंत समझ में आ गया कि स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। अब ये सब चीज़ें तो पहले ही आपको बता दी गई कि इसका स्लोप हम कैसे देखेंगे, इसके ऊपर आगे की तरफ जाना मुश्किल है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो गया, और साथ में इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, ऐसे आएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैच कर रहा है। तो आप देख लो और किस में ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ इसमें भी था, इसमें भी था, इन दोनों में नहीं था, उनको हटा दो पहले स्टेप में। मतलब हमारा फोकस हो गया कि दूसरा चौथा तो बेकार ही ऑप्शन है, सिर्फ पहले और तीसरे में ही है जो कुछ है। तो अब इसके बाद आगे हम देखें तो आगे आपको ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी। यहां पर हमने देखा एक्सलेशन घटना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें पता है डिक्रीज इन एक्सलेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, उसका मतलब रिटार्डेशन नहीं, यानी कि एक्सलेशन घटेगा तो, लेकिन वेलोसिटी नहीं घट सकती, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपको इसमें तो दिख रहा है वेलोसिटी घट रही ना, और इसमें वेलोसिटी बढ़ रही, तो आगे और कुछ स्लोप वगैरह देखने नहीं था, उतने से ही पता चल गया पहले ही ऑप्शन हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following graphs cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle? जैसे इसमें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वन डायमेंशनल मोशन यहाँ पर रिप्रेजेंट, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, कौन वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ पर इनमें से ऑप्शन छांटने हैं इन सभी को देखकर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन ना, फोर्थ ऑप्शन की फोर्थ ग्राफ, फोर्थ ऑप्शन मतलब इसमें से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, वन डायमेंशनल छोड़ो, ये एक भी ग्राफ फिजिकली पॉसिबल ही नहीं, ये सारे इम्पॉसिबल ग्राफ दिखाए गए, इसमें वन डायमेंशन टू डायमेंशन की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर अगर हम पहले वाले को देखें तो उसमें आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पहले वाले में ऐसे अगर आप देखें, अब इसमें हम अभी आपको सेंटेंस लिखवाएंगे तो आप कॉपी पर ही लिखना, ठीक है। जैसे जो पहला वाला ग्राफ है उसके लिए आपको कॉपी पर लिखना, क्योंकि सेंटेंसेज लिखना जरूरी, क्योंकि जैसे ऐसे क्वेश्चंस अगर असम्पशन रीजन में कहीं दे दिए जाएं ग्राफ और प्लस मिक्स करके, तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें दो रीजन हमने समझे थे, एक है फ्लोबैक की कंडीशन, आपको दिख रहा है ना फ्लोबैक की कंडीशन, और दूसरा आपको एक पॉइंट बताया गया था कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पर दो पोजिशंस आपको दिख रही हैं, यहाँ पर दो पोजिशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको दो पोजिशंस नहीं मिल सकते। पहला वाला यहाँ पर ग्राफ लिखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पर आंसर में ऑल फोर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं ऑल फोर, ऑल फोर लिख रहे हैं ना, ऑल फोर आर इम्पॉसिबल, आर इम्पॉसिबल, ऑल फोर आर इम्पॉसिबल, फुल स्टॉप, रिलेटिव रीजंस आर, रिलेटिव रीजंस आर As follows, relative reasons are as follows, ठीक है, मतलब जो उसके रिस्पेक्ट में जो रीजन दिए जा रहे हैं वो इस तरीके से हैं। तो जैसे आप पहला है उसके आगे लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर पर टू पोजिशंस एट द सेम टाइम,
नहीं लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। पहले वाले में लिखेंगे, ऐसे नंबर वन डालेंगे पहले ग्राफ के लिए, और उसमें लिखेंगे पहले वाले ग्राफ में टू पोजीशंस एट द सेम टाइम। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हमें रीजन पता चल गया कि ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें दो पोजीशंस आपको दिख रही हैं एक ही पर्टिकुलर समय पर। ऐसे ही अगर आप ये वाला देखो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पर दो वेलोसिटीज आपको दिख रही हैं, यहां पर और यहां पर। ये प्लस वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव में, यहां पर और निगेटिव में, तो एक ही समय पर दो वेलोसिटीज है। तो सेकेंड वाला पॉइंट ऐसे डालेंगे, सेकेंड पॉइंट, और उसके आगे लिखेंगे टू वेलोसिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। तीसरा क्यों नहीं पॉसिबल है? स्पीड नेगेटिव दिखा दी गई, स्पीड यहां पर माइनस में दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट माइनस वाला, तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। हम लोगों ने देखा था स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो हमें पता है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरे वाले में लिखेंगे स्पीड इज नेगेटिव, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया, स्पीड इज नेगेटिव, ठीक है, स्पीड नेगेटिव है इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। चौथे वाले का रीजन क्या देंगे आप? टोटल पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही तो होता है, तो डिस्टेंस की दो प्रॉपर्टीज हैं। डिस्टेंस एक तो नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी की, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टी डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, घट भी नहीं सकती है। तो यहां पर डिस्टेंस जो है इसमें क्या दिखाया गया कि टोटल पाथ में डिस्टेंस बढ़ रही फिर घट रही फिर बढ़ रही, तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती। तो आप उसमें लिख लेंगे चौथे वाले में डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। टाइम फ्लो बैक नॉर्मली लिखते नहीं है, मतलब लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जैसे कहीं आप देखेंगे तो टाइम फ्लो बैक की बजाय इस कंडीशन को देते हैं ज्यादा, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी अगर टाइम फ्लो बैक है तो भी आप लिख सकते हैं, टाइम कैन नेवर फ्लो बैक, तो वो तो आपको दोनों पॉइंट बताए गए, लेकिन ज्यादातर आप कहीं पर भी अगर देखेंगे तो वो यही लिखा जाएगा, लिखते हैं कि एक ही समय पर दो पोजीशंस हैं, जो कि उसे इम्पॉसिबल दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इट इज करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो। मतलब वो कह रहा है कि क्या ये कहना सही होगा कि टी लेस देन जीरो पर है तो वो स्ट्रेट लाइन में है, एंड आगे क्या दिया गया, टी लेस देन जीरो एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, और टी ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोलिक पाथ पर वो मूव कर रहा है, तो क्या पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, बताओ। अब फिर वही सोच रहे हैं बैठ के, ये एक्स और टी है ना, तो एक्स और वाई का रिलेशन आपको पाथ बताता है, बाकी नहीं। और ऊपर देखो आंखें खोल के क्या लिखा हुआ है, तो वन डायमेंशनल मोशन वहीं से क्लियर हो गया कि पैराबोलिक पर तो जाएगा नहीं, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। लिख लेंगे इसमें रीजन, लिखेंगे इस तरह से, लिख लेंगे नो और बिकॉज, आगे उसके नो बिकॉज एक्सटी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट XT graph does not represent path. It only represent position of particle. With respect to time. Position of particle with respect to time. मतलब XT
एसटी ग्राफ है वो आपको पाथ नहीं रिप्रेजेंट करके देता है, बल्कि वो सिर्फ आपको क्या देता है, पोजीशन देता है वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इंटरवल इट इज द लीस्ट, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। साइन की बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, क्या चीज, एवरेज स्पीड, और किस इंटरवल में वो लीस्ट होगी। साथ में उसने आपसे कहा है ये थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स हैं, थ्री डिफरेंट इक्वल, ठीक है, इक्वल इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, लेकिन जो वन का इंटरवल है, मतलब यहाँ का जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ का टाइम डिफरेंस यहाँ, वो तीनों जगह पर सेम है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है सबसे पहले कि कहाँ पर एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी। तो आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले आप ये जो इंटरवल्स हैं वो तो बता ही दिया गया सब में इक्वल है। यहाँ पर जैसे अगर हम डिस्टेंस की स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, जैसे आप लिखते हैं एवरेज स्पीड, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो ऐसे हम लिख दिया हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर जरा टाइम इंटरवल देखो, उसने कहा दो इक्वल स्मॉल टाइम इंटरवल्स हैं, तो उसको हम डेल्टा टी मान ले रहे हैं, छोटे छोटे इंटरवल हैं, डेल्टा टी मान लिया। अब उस डेल्टा टी में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो बहुत बड़ा पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा, छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको कि यहां से यहां तक। तो अगर आप यहां पर देखो तो इस लोकेशन पर और इस लोकेशन में जो डिफरेंस होगा वही तो डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे यहां पर हमने इसको ऐसे दिखा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, दिख रहा है ना आपको कि ये इंटरवल हो गया और ये डिस्टेंस, कि इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर होगा वो x1 हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर हो गया x2 हो गया, तो ये बीच का जो ये पार्ट होगा इसी को तो हम डेल्टा x बोलेंगे ना, और ये जो पार्ट हो जाएगा ये वाला, इस पार्ट को हम क्या कह देंगे, डेल्टा t। तो जो यहां पर ये लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपान डेल्टा t। भाई जैसे अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, अगर ये वाली लाइन इतनी ले रहे हैं तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा x अपान डेल्टा t। तो मतलब इसका जो स्लोप होगा वो डेल्टा x अपान डेल्टा t दे रहा है, और डेल्टा x अपान डेल्टा t को ही हम क्या कह रहे हैं, एवरेज स्पीड, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने टाइम इंटरवल में। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, जो एवरेज स्पीड है वो लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जैसे यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स, और जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और ये पॉइंट आपको स्टार्टिंग में कैलकुलस में समझाया गया था, याद है ना, उसमें स्लोप वगैरह समझा रहे थे, वहीं पर ऐसे बताया गया था आपको। तो एवरेज स्पीड का मतलब यहां पर हो गया स्लोप, तक हम लोगों ने समझ लिया था कि एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर जो कंडीशन आपको दी गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज स्लोप। मॉड लगा देंगे क्योंकि स्लोप प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और हमें पता है स्पीड माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए मॉड ऑफ स्लोप हम लोग लिखेंगे। तो इससे हमें पता क्या चल जा रहा है, हमसे उसने कहा क्या था निकालने को, कहा था कि एवरेज स्पीड किस इंटरवल में ज्यादा होगी और किस में कम, स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज द लीस्ट। तो आप यहां देखो कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो एवरेज स्पीड है वो स्लोप के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब साइन से आपको कोई लेना देना नहीं, बस स्लोप की वैल्यू कम या ज्यादा है उसके हिसाब से स्पीड कम या ज्यादा होगी। तो आप यहां चेक करो कि इस लोकेशन पर स्लोप, अब आपको वहां टैन थीटा नहीं सोचना, आपको हमने बता रखा ना कि ढलान से ही समझ जाएंगे कि यहां पर स्लोप क्या है। इस लोकेशन पर अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही कम आपको दिख रहा है स्लोप, और सबसे ज्यादा आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे ज्यादा ढलान यहीं पर तो दिख रही है आपको। तो अगर आप यहां ड्रॉ भी करेंगे तो एंगल वाइज भी वो आप निकाल सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख कर भी, आप यहां पर देखें कम स्लोप दिख रहा है, यहां पर और भी कम दिख रहा है, यहां सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड वाले पार्ट में या थर्ड इंटरवल में स्लोप सबसे ज्यादा है,
इसका मतलब एवरेज स्पीड की वैल्यू थर्ड वाले पार्ट में या इंटरवल में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही पॉइंट हमें लिख लेना, तो पहले ये पॉइंट लिख लो आप, ऊपर वाला डायग्राम में भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, दिख रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा कर दें, सबसे ज्यादा स्लोप है थर्ड के लिए और सबसे कम है किसके लिए, सेकंड के लिए, सबसे कम सेकंड में दिख रहा है, सबसे ज्यादा थर्ड में दिख रहा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे स्लोप इज ग्रेटेस्ट नोट करो जल्दी से लिखते हैं यहां पर स्लोप इज ग्रेटेस्ट एज स्लोप इज ग्रेटेस्ट फॉर थ्री एंड लीस्ट फॉर टू सो एवरेज स्पीड इज greatest for 3 and least for 2, ठीक है, as slope is greatest for 3 and least for 2, so average speed is greatest for 3 and least for 2. इसके अलावा उसने आपसे कुछ पूछा था और भी, इसमें साइन आप देखो यहां पर उसने क्या पूछा है, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में यहां पर और कोई चेंज नहीं आएगा, एवरेज वेलोसिटी में भी स्लोप ही आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी देखेंगे बस उसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाएगी। तो अगर आप देखें यहां पर स्लोप तो पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप लगभग पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा फर्स्ट और सेकेंड में और नेगेटिव होगा थर्ड में। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग जब पॉजिटिव से नेगेटिव लिखना होता है तो हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे कोई भी क्वांटिटी है ए, तो ए को अगर पॉजिटिव लिखना है तो ये इंप्लाई करेगा ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। मतलब जीरो नंबर सिस्टम जो होता है ना, तो नंबर सिस्टम में यहाँ जीरो तो इधर प्लस होता है इधर माइनस, तो जीरो से बड़ा है तो प्लस, जीरो से छोटा है तो माइनस। तो ए अगर नेगेटिव है तो उसको हम वी लेस देन जीरो। एनसीईआरटी में इसी तरह से आंसर्स दिए गए हैं, तभी मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो ये पॉइंट हमें पता भी होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव को ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ए नहीं यहाँ पर बी लिखना था, मतलब ये कोई भी क्वांटिटी हमने ऐसे बना दी थी। तो जैसे ए कोई भी क्वांटिटी है पॉजिटिव है तो उसको हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव ए लेस देन जीरो। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो वो एवरेज वेलोसिटी स्लोप के बराबर होगा। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव होगी, मतलब एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर वन एंड टू एज स्लोप इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव और एवरेज वेलोसिटी को लिख देंगे लेस देन जीरो फॉर थ्री एज स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नोट कर लिया ना सभी ने, तो यहां से हमने ये भी देख लिया कि कहां पर ग्रेटेस्ट और लीस्ट होगी और कहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिमिलर एक क्वेश्चन और भी ऐसे एनसीईआरटी में दिया गया, सिमिलर एनालिसिस उसमें भी है,
तो वो क्वेश्चन, अब दो दो क्वेश्चन एक ही जैसे थे, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ करा दिया आपको, एक क्वेश्चन हमने सेल्फ इवेल्युएशन में डाल दिया है, तो वो अपना देख लेना वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाई टू, नेग्लेक्टिंग सबसीक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी वी वेरीज विद हाइट एज अबव द ग्राउंड एज। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है बहुत आसान, आपको जस्ट इसमें समझना है बस कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, और उसके बेसिस पर आपको आंसर टिक करना है। ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर उसने कहा अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी, तो आप समझो यहाँ पर कि जैसे एक बॉल को यहाँ पर से ड्रॉप कर दिया गया, हाइट डी मतलब ये नीचे से जो हाइट दिखाई गई है उसको हमने कह दिया डी के बराबर, यानी कि एच इज इक्वल टू यहाँ पर डी, एच कोई भी जनरल हाइट हो सकती है। वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाई टू, अब ये यहाँ पर गिरेगी और इसके बाद ये यहाँ से ऐसे बाउंस करेगी, तो बाउंस करके ये यहाँ से सिर्फ डी बाई टू हाइट तक जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, तो ये हाइट क्या है डी बाई टू अपवर्ड जा रही, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे आएगी यहाँ पर डाउनवर्ड, और यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। एक बात तो यहाँ से क्लियर, हमें यहाँ पर वी और एच का ग्राफ देखना है क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जैसे यहाँ पर वेलोसिटी जीरो से उसने ड्रॉप किया, तो अगर उसने ड्रॉप किया है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर ड्रॉप करेगा उसके कुछ समय के बाद वेलोसिटी कहीं पर भी देखेंगे तो ज़्यादा ही होती चली जाएगी ना वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी पार्ट की बात करेंगे, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हम इतने पार्ट का बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ का मतलब हर पॉइंट उसमें इंक्लूड होगा ना, ऐसा नहीं सिर्फ इनिशियल और फाइनल इंक्लूड होगा, उसमें बीच के भी पार्ट इंक्लूड होंगे। तो अगर ड्रॉ करने पर आएंगे तब तो आप वी और एच का पहले देखो क्या यहाँ पर इक्वेशन होगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके उसका स्लोप का वेरिएशन देखेंगे और तब आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। हम ऐसे समझें कि जैसे अगर हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो इक्वेशंस लगेंगी वो क्या लगेंगी अपवर्ड, जैसे ऊपर से नीचे आएगी तो थर्ड इक्वेशन, टाइम तो दिया नहीं गया, तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और नीचे से ऊपर के लिए माइनस, यानी कि डाउन मोशन के लिए अगर हम बात करें, डाउन मोशन के लिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, जिसमें सारी चीजें जनरल है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर हाइट या कुछ नहीं रख रहे हैं कि हम एच की जगह डी रख रहे हैं, एच भी जनरल, जैसे से नीचे जाएगा एच की वैल्यू कम होती चली जाएगी, फाइनली यहां पर एच जीरो हो जाएगा। एंड अप मोशन के लिए, अप मोशन के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, अप मोशन के लिए इक्वेशन देखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा सेकेंड, मतलब ये जनरल हो गया, कुछ भी वेलोसिटी है, कुछ भी यहां पर है, कोई भी हाइट है, ये एक रिलेशन हमें पता है। इस रिलेशन के बेसिस पर अगर आप देखो तो वी और एच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, पैराबोला होगा ना, मतलब हमें रियलिटी पे नहीं जाना है कि वहां पर एक्चुअल में कैसे क्या होगा, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि एक है सिंगल और दूसरा है स्क्वायर में, एक है सिंगल पावर में दूसरा है स्क्वायर में, यानी कि दोनों ग्राफ क्या होंगे पैराबोलिक ग्राफ हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि अगर आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो डाउनवर्ड मोशन में किसी भी लोकेशन पर अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो वो वेलोसिटी क्या होगी माइनस, और अपवर्ड मोशन में कहीं पर भी आप वेलोसिटी देखेंगे तो वो वेलोसिटी क्या होगी प्लस में हो जाएगी। तो यहां पर वेलोसिटी होगी माइनस में और यहां पर वेलोसिटी होगी प्लस में, यानी कि वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान क्या वेलोसिटी का साइन एक जैसा रहेगा, नहीं, नेगेटिव रहेगा और फिर वापस में पॉजिटिव हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए, तो ग्राफ पैराबोलिक का मतलब थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और ग्राफ दोनों सेम साइड में नहीं होंगे, क्योंकि ये यहां पर माइनस है तो ये प्लस है, यानी कि ग्राफ दोनों साइड में जाएगा, वी का प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो पैराबोलिक तो ये तीनों में दिखाया गया, लेकिन इसमें दोनों प्लस में है इसलिए पॉसिबल नहीं, इसमें दोनों माइनस में इसलिए पॉसिबल नहीं, तो कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें सारी चीजें मैच कर रही, पैराबोलिक ग्राफ और प्लस भी है और माइनस भी,
एनालिसिस अभी हम बाद में और आपको बता देंगे, पहले आप इतना लिख लो यहाँ पर। नोट कर लिया इतना? लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट ग्राफ बिटवीन वी एंड एच विल बी पैराबोलिक, ग्राफ बिटवीन वी एंड एच विल बी पैराबोलिक। Will be parabolic, ठीक है? तो एक बात ये क्लियर हो गई कि V और H का ग्राफ पैराबोला ही आएगा। दूसरा उसी में आगे लिखेंगे फुल स्टॉप करके। Also, velocity will be positive, पहले negative लिख लेंगे, velocity will be negative in downward motion, velocity will be negative in downward motion and positive, and positive in upward motion, and positive in upward motion, full stop. So option one will be correct, so option one will be correct, पहला option यहां पर correct हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर जस्ट हमें पहचानना था, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कंडीशन दी गई, उसके हिसाब से ग्राफ पैराबोलिक होगा और प्लस और माइनस में होगा। अब आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे, देखो आप यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसको आप यहाँ से मैच करो। जैसे आप देखो यहाँ पर कि स्टार्टिंग में यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, किस हाइट पर? डी हाइट पर, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग की कंडीशन है तो उसमें जैसे आप यहां पर D पॉइंट पर हैं, ठीक है, इस लोकेशन पर हो गए ना H इक्वल टू D, तो आप देखो ग्राफ का V क्या दिख रहा है आपको? जीरो, Y X एक्सिस पर Y की वैल्यू जीरो। फिर उसके बाद जब आप इसको छोड़ देंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन माइनस में रहेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी और H की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि हाइट है ना, तो वो कम होती जाएगी। तो आप देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, वाई एक्सिस बढ़ रही ना, वेलोसिटी बढ़ रही, और इस लोकेशन पर देखो यहां पर जो कंडीशन दिख रही है इस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन जो एच की वैल्यू है वो क्या हो गई? जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो हो गई वाई पर। तो यहां पर आप देखो जब इस लोकेशन पर बॉल पहुंचेगी तो क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी लेकिन यहां पर एच की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। देन उसके बाद रिबाउंड करेगा, जैसे रिबाउंड करेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? प्लस, और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो भी लॉस हुआ होगा वो है लेकिन यहां पर वेलोसिटी जो भी होगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि उसके बाद तो वेलोसिटी घटनी है ना। तो आप देखो जैसे ही यहां पर टकराई बॉल इसकी वेलोसिटी तुरंत क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव आ गई और वो पॉजिटिव वेलोसिटी यहां पर जो भी है वो धीरे धीरे कम होगी। रिवर्स वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, रिबाउंड वाली कंडीशन की, रिबाउंड वाले में जो वेलोसिटी यहां पर है उसको आगे अगर आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो घट रही है, डिक्रीज कर रही है, और यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, डी बाई टू पर। तो आप देखो यहां पर v की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही और डी बाई टू पर v की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। h इक्वल टू डी बाई टू पर वैल्यू क्या हो गई? v की जीरो, यहां पर पहुंच गई बॉल, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि पूरा ग्राफ इस सिचुएशन से मैच भी कर रहा है और उसको पहचानने के लिए हमने बस इस तरह से एनालिसिस उसकी कर दी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is at rest at x is equal to 0, at t is equal to 0, it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration. ये क्वेश्चन देखो AIEEE का है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो कुछ ये उसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन उस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पूछे भी गए। वो एक क्वेश्चन आपको याद होगा एक बस वाला, एक बस है यहाँ पर और एक कोई पर्सन है वो पीछे से दौड़ के इस बस को कैच करता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में जो चीजें हम लोगों ने समझी थी बिल्कुल वैसा नहीं है, बट उसी से कुछ मिलता जुलता पॉइंट यहां पर है। ठीक है, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन से उसने चलना स्टार्ट किया विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन। तो एक को भी बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में है एट एक्स इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू जीरो पर वो वहां से स्टार्ट करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन। तो पहले इतना पॉइंट हम लोग यहां पर दिखा लेते हैं। जैसे सपोज के लिए ये लोकेशन है जीरो की, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट बॉडी यहां पर है वो यहां से चलना स्टार्ट करती है लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या दी है जीरो, ठीक है, एट रेस्ट है ना, और फिर उसको उसने एक कांस्टेंट एक्सलेशन दिया तो वो कांस्टेंट एक्सलेशन हमने मान लिया ए के बराबर। ठीक, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया एट द सेम इंस्टेंट। अब यहां ध्यान दो, एट द सेम इंस्टेंट मतलब जिस समय इसने चलना स्टार्ट किया एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब दूसरी एक कोई बॉडी है वो इसे पास कर जाती है एट एक्स इक्वल थ्रू एक्स इक्वल टू जीरो मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे उसमें हम लोगों ने क्या एनालिसिस की थी कि जो मैन पीछे से दौड़ता हुआ आता है अगर वो बस पे ना चढ़े तो वो बस से आगे निकल जाएगा वहां पर। ठीक है, जैसे बस तो धीरे धीरे एक्सलेट हो रही और वो तेजी से दौड़ते हुए आया, नहीं बस पे चढ़ा तो बस से आगे निकल जाएगा। तो यहां पर वैसे ही कंडीशन है कि ये जो सेकेंड वाली बॉडी है उसके पास कोई एक्सलरेशन नहीं है बट वो एक कांस्टेंट स्पीड मान लिया, उसकी स्पीड है यू नॉट, तो इस कांस्टेंट स्पीड से इसको क्रॉस कर जाती मतलब इसके आगे निकल जाती पासेस। ठीक है, लिखा गया ना पासेस थ्रू एक्स इक्वल टू जीरो। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय एक्स वन टी आफ्टर टाइम टी एंड दैट ऑफ द सेकेंड बॉडी इज एक्स टू टी आफ्टर द सेम टाइम, मतलब कोई एक टाइम ले लिया गया तो उतने समय के बाद जो ये वाली बॉडी है ये ऐसे जा रही तो इसकी पोजिशन को हमने एक्स वन टी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हमने आपको बताया था कि x1 into t नहीं होता है, मतलब as a function of time। और ऐसे ही इसके लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी ऐसे जा रहा है, अब कौन आगे है कौन पीछे उसकी कोई बात नहीं अभी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा x2 into after the same time interval which of the following graph correctly describes x1 minus x2 as a function of time। तो आपको यहाँ पर x1 minus x2 का ग्राफ बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा टाइम के साथ। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो हम बिना कोई कैलकुलेशन के इसे हम सॉल्व करके ऐसे ही बता सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, कोई बहुत मैथमेटिक्स यूज हुई होती तो हम शायद आपको नहीं कराते, बट ये इतना आसान है कि क्वेश्चन आपने समझ लिया इसी के बेसिस पर आप तुरंत बता सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ पर देखो तो हम ड्रॉ करके भी आपको दिखाएंगे और डायरेक्ट भी आपको हम दिखा देंगे कि डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के कैसे आप समझ जाते। पहले आप यहां पर देखो कि अगर हम x1 की बात करें, x1 की, अब t नहीं लिख रहे हैं, t तो वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये u0 है, तो u0 है तो क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी होता है। और अगर हम बात करें x2 की एंड x2, तो x2 क्या हो जाएगा, उसके पास कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो जब एक्सलेशन नहीं होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप याद रखो कि कब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपको कहीं पर भी एक्सलेशन दिया जाता है तो है या नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पर समझ लो इस पॉइंट को, ये ऐसे हम अलग से बता दे रहे हैं कि जैसे आप सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, हमने कॉन्स्टेंट एक्सलेशन विदाउट एक्सलेशन भी केस कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन भी कर लिया और हमने वेरिएबल एक्सलेशन भी कर लिया। तो अब कोई भी क्वेश्चन के सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या सोचना है, मतलब कि इसमें इक्वेशन आप मोशन लगना है या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम लगना है या कैलकुलस लगनी, तो उसका सीधा तरीका ये होता है कि जब आपको एक्सलेशन दिया जाएगा तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो क्या तीन सिचुएशन होंगी। यहाँ पर एक सिचुएशन यहाँ पर कॉन्स्टेंट की, एक सिचुएशन यहां पर एक्सलेशन की क्या होगी, एक्सलेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब भी एक्सलेशन जीरो होगा सीधे आपको यहां पर क्या अप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब इस केस में आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी होती है कि आप यहां पर
एस इज इक्वल टू वी टी, वही जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, मतलब जो विस्थापन होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। तो आपको ये सोचने का तरीका हम बता रहे हैं कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पर तो आपने देखा एक्सलेशन जीरो है, तो अगर एक्सलेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर आपके सामने क्या हो सकता है एक्सलेशन हो सकता है लेकिन वो एक्सलेशन क्या होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनका एप्लीकेशन आपको करना होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको ये दे दिया जो एक्सलेशन है वो वेरिएबल है, मतलब एज अ फंक्शन आप टी या एक्स कुछ भी दिया गया, तो एक्सलेशन अगर वेरिएबल है तो हम क्या यूज करेंगे कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में अपने रखना है कि एक्सलेशन अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है तो वहां पर कैसे दिया जा सकता है, या नहीं है तो क्या करना है। तो नहीं है तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाले प्रॉब्लम्स या इक्वेशंस अप्लाई होंगे, है लेकिन कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन आप मोशन का यूज कर लो, है लेकिन वो वेरिएबल है तो कैलकुलस मेथड का आप यूज करेंगे। तो वहीं जहां क्वेश्चंस कर रहे हो वहीं पर लिख लो इसको, ठीक है, एक बॉक्स में बना के ऐसे लिख लो कि आपको ऐसे ही ध्यान देना है यहां पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ये आगे भी यूज होगा। जैसे हम वेक्टर वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वेक्टर में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वेक्टर में भी आपको कहीं पर अगर एक्सलेशन वहां जीरो दिया गया है डायरेक्शन भी होगी वहां पर, एक्सलेशन जीरो है तो आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, एक्सलेशन वहां पर दिया गया है लेकिन वो एक्सलेशन कॉन्स्टेंट दिया गया तो इक्वेशंस आप मोशन यूज करेंगे लेकिन इन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, और अगर एक्सलेशन वेरिएबल दिया गया है तो हम कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे या फिर हम लोग कैलकुलस मेथड का वहां पर यूज कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके से वहां पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो वो आपको सब बता दिया जाएगा कैसे करना है, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है जिससे कंफ्यूजन नहीं होता कहीं पर। अगर आपके दिमाग में है आपने देखा एक्सलेशन है कॉन्स्टेंट है, तुरंत आपने समझ लिया कि इक्वेशन आप मोशन ही अप्लाई करना, तो एक तरह से ये समरी टाइप से हो गई आपके पास कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं हम लोग कि इसमें जैसे अभी हमने क्या कहा कि यहां पर एक्स वन है, तो एक्स वन में हमने देखा एक्सलेशन है और कैसा है कॉन्स्टेंट, तो तुरंत हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड वाली बॉडी के लिए हमने देखा इसमें एक्सलेशन नहीं है, उसने क्या कहा था कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो अगर एक्सलेशन नहीं है तो सीधे सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है एक्स वन माइनस एक्स टू करना है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू नॉट इनटू टी, या फिर हम एक काम कर सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू लिखेंगे और यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा u नॉट t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे इसे करने का क्या पर्पज है, हमें u नॉट t पहले लिखना था और ये बाद में लिखना था, माइनस कॉमन ले मल्टीप्लाई कर दो फिर वही चीज आ जाएगी। आप यहां पर इसे कंपेयर करके देखो y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, हम लोग y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर पढ़ा था लेकिन इसमें क्या आ गया माइनस, यानी कि जो ग्राफ है जो हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा था वो ये था y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर और इसका ग्राफ हमने पढ़ा था इस तरह से, ऐसे पढ़ा था ना, तो इसका मतलब अगर ये सारी वैल्यूज माइनस में हो जाए तो ये पलट जाएगा, मतलब अगर हमें दे दिया जाए माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब है कि ग्राफ तो वही रहेगा लेकिन उसकी सभी वैल्यूज माइनस में होंगी, तो माइनस में होने का मतलब क्या हुआ कि वो ग्राफ यहां पर वाई और एक्स का जो रहेगा वो नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, यही तो मतलब होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहां पर जरा देखो कि इसमें माइनस आ गया ना, इसका मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, तो जो भी टाइम एक्सिस है उसके नीचे जाएगा, किस में दिख रहा है आपको सिर्फ सेकेंड वाले में दिख रहा है, फिर आगे वो आगे चला जाएगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन ग्राफ होगा कौन सा सेकेंड, क्योंकि बाकी किसी में तो वो चीज मैच ही नहीं कर रही, किसी भी नहीं मैच कर रहा, सिर्फ सेकंड वाले में मैच कर रहा कि ग्राफ का पहला स्टेप क्या होगा, नीचे से जाएगा फिर आगे वो ऐसे चला जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, एक
देखो कि जैसे ये जो जितना कुछ आपको समझाया गया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी, लेकिन तरीका यही था तो आपको बता दिया गया। बाकी आप यहाँ पर देखो कि हम बिना ये सब कुछ किए, आप बिना ऐसा किए आप यहाँ पर बता सकते थे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि जो ये क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्वेश्चन वही है, हमें वैसे ही समझना था, तो उसमें तो हम सब बता ही चुके हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या इसने दिया था कि इसने चलना स्टार्ट किया लेकिन ये उसको क्रॉस कर गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ही तो दिया गया था कि वो जिस समय चलना स्टार्ट करता है दूसरी बॉडी उसको पास कर जाती है, यानी कि जो ये पहली वाली बॉडी X1 है ये पीछे होगी और दूसरी वाली बॉडी आगे होगी। यही तो होगा ना, अगर ये क्रॉस करके आगे निकल गया तो पहली वाली बॉडी पीछे रहेगी, दूसरी आगे निकल गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में X1 जो होगा वो लेस देन X2 होगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब जो X1 माइनस X2 है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा ना, इट विल बी नेगेटिव स्टार्टिंग में। लेकिन फिर फाइनल कंडीशन में आप देखो, फाइनल कंडीशन में क्या होगा कि जो ये यहां पर है ये एक्सेलरेट कर रहा है और ये विदाउट एक्सेलेरेशन है, तो कुछ समय के बाद पहले वाली की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सेकंड वाले को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, यू नॉट कांस्टेंट है, उसके पास एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो कुछ समय के बाद फाइनली X1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? X2, एंड देन X1 माइनस X2 क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसमें से ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें आपको स्टार्टिंग में प्लस दिखे, माइनस दिखे और बाद में प्लस दिखे। कौन सा ग्राफ है? सेकंड ही तो है, इसमें स्टार्टिंग में प्लस दिखाया गया, इसमें भी स्टार्टिंग में प्लस ही है, ये तो लगातार ही बढ़ रहा है, इसमें भी स्टार्टिंग में प्लस है, सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में माइनस है और उसके बाद क्या हो गया? प्लस हो गया ग्राफ। तो इसका मतलब बिना कुछ कैलकुलेशन के हम सीधे सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते थे। ठीक है, इस बेसिस पर बाकी यहां पर आपको पूरा डिटेल बता ही दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, ये बुकलेट भी शायद थर्ड बुकलेट मिल भी गई होगी आपको आज। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, और वो लास्ट टॉपिक होगा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हमने आपको बता दिया था कि ये जो सेकंड बुकलेट है और जो थर्ड बुकलेट है उसमें जो वेक्टर है, वेक्टर के साथ में उसमें एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसका भी थोड़ा बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट ही रहता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, और जब आप चौथी बुकलेट पर पहुंचेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सेकंड और थर्ड बुकलेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये समझ लो कि फिजिक्स है यहीं पर, आगे बहुत स्मूथली बड़े आराम से सारी चीजें चलती जाए।